हेलो दोस्तों, ये है होंडा शाइन। इसमें के बार बार फ्यूज उड़ने लगा है। इसका शॉर्ट सर्किट कैसे काटे हम बताएंगे। इसका एक इंडिकेटर लिया से इंडिकेटर लेके इसका जो फ्यूज बॉक्स है ना, फ्यूज बॉक्स के इधर एक और दोनों टच करके देखे। ये इंडिकेटर से ये बैटरी का फेस इसमें आता है। ये है ना बॉडी अर्थिंग, कहीं की बॉडी टच होने लगे इसके अंदर, वो अर्थिंग के इसमें जुड़ा है, वो उसको जैसे ये इसमें अर्थिंग आ रहा है, इसकी वजह से बार बार फ्यूज शॉर्ट हो रहा है। अभी मैं एक इंडिकेटर माध्यम से इसका सॉल्यूशन शॉर्ट सर्किट काटेंगे। इसका एक एक सॉकेट निकालते जाएंगे तो पता चलेगा। पूरा सीट टाइट की पूरा खोल के चक्कर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी डूम में प्रॉब्लम है, चक करेंगे, निकालें सॉकेट। अभी देखो ये सॉकेट निकालती वो इंडिकेटर चला जाता है। वहाँ देखो निकालो, अभी देखो इंडिकेटर निकालती ये सॉकेट करंट इंडिकेटर चला जाता है। इधर न्यूट्रल लाइट ब्लिंक होता है, इधर न्यूट्रल लाइट ब्लिंक होता है, वो कनेक्शन करो उसका कनेक्शन करती है, ये होने लगे तो प्रॉब्लम है। ये सॉकेट के अंदर है इसका, ये सॉकेट में कहीं अर्थिंग है, उसका अर्थिंग निकालेंगे उसका। वीडियो पर बने रहे दोस्तों। इधर है ना अर्थिंग है ना, इधर ब्लैक वर पे टच हुआ था। ये अर्थिंग है इसका, ये ब्लू कलर अर्थिंग, ये अर्थिंग है, ये ब्लैक वर पे टच हुआ था, इसके वजह से वो इंडिकेटर का शॉर्ट सर्किट से बता रहा था। अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बाद में बताएंगे, ये टेपिंग करके पूरा चेक करके बताएंगे दोस्तों। अब बराबर हो गया, अभी सेल्फ उठ रहा, अभी हॉर्न दे रहा, हॉर्न गिरने सभी आ रहा है, अभी सब सही हो गया। वीडियो पर बने रहे, लाइक करें और शेयर करें।